तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे ई निकालना है, या ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, या ई की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ पर? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन क्या होती है? अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल है, इसको आगे लाइन कंटिन्यू करें, इसके एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन क्या है? इसके एक्सिस में से पास करती हुई लाइन एक्सियल लाइन है। तो आपने कोई भी पॉइंट लेना है इसके एक्सियल लाइन पे, इसके एक्सिस पे, और वहां पर आपको इसकी ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि सारे डिस्टेंसेस डायपोल के सेंटर से मेजर किए जाते हैं। तो ये डायपोल का सेंटर है, तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो कॉर्नर से नहीं, वो सेंटर से मेजर होगा। तो सेंटर से इसकी दूरी क्या है? आर। आर, तो आपको आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। आधा आधा डिस्टेंस ए और ए हो जाएगा इसका, 2a की जगह। रूल नंबर 2, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां चार्ज क्या लेना है? प्लस वन। प्लस वन चार्ज लेंगे, तो प्लस वन चार्ज लेंगे, ये क्यू इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। तो यहां ये ई लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ये माइनस इस प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये भी ई लगाएगा। तो मैं 2e निकालूंगा, बड़े ई में से छोटे ई को क्या कर दूंगा? माइनस, नेट ई आ जाएगा। तो लॉजिक सबको समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सियल लाइन पे ई निकलेगा। तो मैंने यही किया, ये मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल लिया, मैंने यहां पर प्लस वन रखा जहां पर मुझे ई निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक आर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? आर माइनस है, आर माइनस है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लस वन को रिपेल किया, तो ई कितना लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। करेक्शन कर लेना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक? तो इस प्लस क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया और ई क्या लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस माइनस क्यू ने प्लस वन को अट्रैक्ट किया, तो ई कितना लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक हो गया? अब बड़ा कौन? ई टू की ई वन, ई टू। ई टू क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका बड़ा है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ई टू माइनस ई वन। तो नेट आंसर आएगा ई टू माइनस ई वन, ये रहा ई टू, ये रहा ई वन, कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, ऐसे इसे ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्शन है, ये प्लस करो, प्लस 2ra, प्लस 2ra। तो ये स्टेप क्लियर है, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, तो क्या बचा? 4ra। अब इस केस में, तो इस केस में 4 को ब्रेक करो 2 into 2, तो एक 2 लगाओ r के साथ, एक 2 लगाओ a के साथ, देखो 2r into 2a, तो q into 2a क्या होता है? p। आंसर आ गया, अपने फॉर्मूले के रजिस्टर में एक फॉर्मूला दर्ज कर लो एक्सियल लाइन का, ये फॉर्मूला। तो एक्सियल लाइन पे E की वैल्यू P पे डिपेंडेंट है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा P होगा, उतना बड़ा E होगा, तो ये E एक्सियल है, राइट? जब न्यूमेरिकल आता है तो कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी हैं और A बहुत छोटा होता है, A रियली बहुत छोटा होता है। तो हम ये मानते हैं कि A बहुत छोटा है लेकिन R बहुत बड़ा है। अगर मान लो आपको E बहुत दूर निकालना है और डायपोल बहुत छोटा है,
तो r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर में a को निगलेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे डायपोल को क्या बोलते हैं, कौन सा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल ही होते हैं ज्यादातर, क्योंकि a सभी का छोटा होता है। तो यहां से r की पावर 4 RR कट गया। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करें, लिखना पड़ेगा अपने रजिस्टर में। एक्सेल का जब न्यूमेरिकल आएगा तो 1/4 πε0 2π/r³, ठीक है यहां तक?